मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः पञ्चोपचारार्थगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरती श्री भागवती जी की करत पवित्र भाव दाहिने की। आरती श्री भागवती जी की करत पवित्र भाव दाहिने की। श्री नारायण मुख की बाणी पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी। शंकर पार्वती सुखमानी कृष्ण कथा सुखधाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भागो दाहिने की। सनकादिक से शेष बखानी नारद मुनि परम सुखमानी। व्यास सुनी सर्वो परियानी लिखी पुराण तिलकी की। आरती श्री भागवत जी की श्री सुखदेव व्यास ते सुन के कही परीक्षित ऋतु से गुण के। गंगा तट संतन को चुने के ज्ञान विराग भगत युवती की। आरती श्री भागवत जी की कथा भागवत जो नित गावे आप सुने औरों को सुनावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे। प्रेम सिंदूर से बिंदु लगी आरती श्री भागवत जी की करत पवित्र भावनाही की। आरती श्री भागवत जी भागवत जी भागवत जी की। जलिन शीतलीकरमी पुष्पादि देवाभिवंदनम आर्तिक्यम समर्पयामि। हरि ओम। जगनेन जगमय जंतो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचंद्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नांग जाति करवेल रसाद पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाड परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद् भागवत महाप्राण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेश श्री सरस्वती श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे
त्रय विनाशाय श्री कृष्ण आणव महासायक चारुचापम नमामि रामं श्री रघुवं अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहं ननु जवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण रघुपति प्रिय भक्त पत जातम नमः हे गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुध वरुण रघुवर विमल जश दोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार कामा दोष रहित राधे मेरी मात है पिता मेरो इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम इस अवतारन को छोड़ के आया तेरो अब द्वारन को छोड़ के आया तेरो द्वार हे वृषभानु की लाडली देख मेरी वृंदावन विहारी लाल की श्री सीताराम महाराज श्री भागवत पुराण भगवान की जय श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री राम वृंदावन
संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सिरा। गोवर्धन लीला तक की कथा हम लोगों ने कल सुनी। लीलाएं तो सारी ही दिव्य हैं, नंदलील, यमुना में गए स्नान करने, समय का भान नहीं रहा तो वरुण भगवान के दूत उनको पकड़ करके वरुण लोक ले गए। भगवान वरुण लोक से जाकर के अपने पिता को लाए हैं। अपने व्रजवासियों के, अपने मित्रों, अपने सुहृदों, अपने ग्वाल वालों के अनुरोध पर उन्होंने अपने वैकुंठ का दर्शन भी कराया। महाराज जी अपनी कथा में बड़ा विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। लेकिन वैकुंठ के दर्शन के बाद भी ग्वाल बालों को, गोपालों को, ब्रजवासियों को वैकुंठ में वह आनंद नहीं आया जो भगवान के साथ ब्रज में है। ये हम लोगों का परम सौभाग्य कि हम लोगों के बीच में देश के सुविख्यात कथावाचक आदरणीय श्री देवकी नंदन शास्त्री जी महाराज आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आपका दर्शन करने का सौभाग्य एक बार पटना में प्राप्त हुआ था और आपकी कथा तो मैं हमेशा सुनते ही रहता हूं। तो मैं उद्घोषक आदरणीय श्री शिवम शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि महाराज जी का आशीर्वाद ले लिया जाए, उसके बाद कथा में प्रवेश। यही माइक दे दीजिए, यही माइक दे दीजिए, महाराज से यही विराज जाएंगे। बोलिए श्री माँ के बिहारी सरकार की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जीव के जब कोट जन्म समुत्थे न पुण्य ले वतु लभ्य थे, कोटान कोट जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब जीव के मन में यह मनोरथ जागृत होता है कि हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी है। कितने बड़े सौभाग्य का विषय है, जिस पद का त्याग करके आप श्री यहां आए हैं उस पद को पाने के लिए लोग क्या नहीं करते। परंतु बात तो वहीं आ जाती है, हमारे ब्रजवासी लोग अधिकांश कहा करते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखेंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अगर वास्तविक कोई पद है तो वो व्यासपीठ है, अगर वास्तविक कोई आनंद है तो पिबत भागवतम रसमालयम, मुह रहो रसिका भुवि भावुका। आपका तो नाम ही है गुप्तेश्वर, तो जो गुप्त गुहु ज्ञान है वो गुरु कृपा से और संतों की कृपा से सहज प्राप्त होता है। आपको यहां देखकर हृदय को बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद इसलिए आ रहा है कि हम लोगों के यहाँ एक प्रॉब्लम शुरू हो गई,
भक्ति, ज्ञान, प्रवचन, कथा सुनना, ये क्या है? बोले ये उन फ्री लोगों का काम है जिन पे कोई काम नहीं है, या जो कुछ नहीं कर सकते वो भक्ति करो, सत्संग करो, अटरम सत्रम जो भी बोलते हैं आप और हम सब जानते हैं। परंतु आपके आने से एक विषय, ये एक दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये जो भागवत रस है ये किसी वर्ण विशेष या किसी व्यक्ति विशेष का मोहताज नहीं है। जिसे परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करने की इच्छा हो वो इस लाइन में आ जाइए और उसे अद्भुत आनंद मिलेगा। इससे बड़ा आनंद कहीं है नहीं, इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है। हम सब कहते हैं वो कथा हमारे जज साहब वाली, कोर्ट में जज थे, भगवान स्वयं राम जी जाके खड़े हो गए कि मैं अपने इस भक्त का गवाह हूं। तो बाद में जो जज है उसे सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता, कहां गया वो? बोले फक्कड़ हो गया, बाबा जी हो गया, वृंदावन की गलियों में, ब्रजवासियों के घरों में भिक्षा मांग मांग कर खाना ही मेरा परम आनंद है। तो ये जो आनंद है उस आनंद को आजकल के चंद कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि यही सब कुछ है, परंतु आपके आने से ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग जानते हैं कि वास्तविक आनंद कहते किसे हैं। तो हम वास्तविक आनंद यहां पर ले रहे हैं। अधिक देर में बाधा नहीं बनूंगा, परंतु आदरणीय सरस्वती माँ के कृपा पात्र और मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई के समान, जब जब मुझे आप आज्ञा करते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। पर आज आप दोनों को भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वृंदावन में शांति सेवा धाम में श्रावण मास में 125,000 पार्थिव शिवलिंग की स्थापना का बहुत सुंदर आयोजन चल रहा है, जिसमें अब तक लगभग 1,000,000 के करीब हम वहाँ पहुँच गए। आज छठा दिन था। तो आप जब भी समय हो, आपको तो आना ही है, आपसे निवेदन है क्योंकि आप व्यासपीठ पे हैं, तो आप सब पधारेंगे। बाकी का मैंने अपनी वाणी भागवत जी के चरणों में समर्पित करके पवित्र की है। पुनः नमन, बाधा के लिए क्षमा। बोले राधा रानी की जय। हम लोग थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं उसके बाद कथा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। जगत
सब सपना अब प्रभु के पकर हुए अब प्रभु कृपा कर हुए अब प्रभु कृपा कर प्रभु ही भांति अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सबत जी भजन करहु दिन रात सबत जी भजन करहु दिन रात राधे राधे गो परमेश्वर की कृपा से आचार्य श्री पराशर जी के परम पावन सानिध्य में और आज हम लोगों के बीच महान संत और देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री देवकी नंदन शास्त्री जी भी कृपा पूर्वक अपनी उपस्थिति देकर अपना आशीर्वचन देकर हम सब लोगों को धन्य कर रहे हैं। इस दिव्य वातावरण में ब्रज की इस पवित्र धारा पर ठाकुर जी को ये कथा सुनाने का दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है और आज की कथा बहुत मधुर है आज की कथा बहुत मधुर है और जैसा मैंने पहले निवेदन किया था मेरा अपना कुछ नहीं है। मैंने कोई शास्त्र पुराण या भाष्य कुछ पढ़ा नहीं है। आप ही संत जो बैठे हुए हैं कथावाचक आप ही लोगों को सुना है सुन सुन करके थोड़ी सी कृपा उतरी है और ठाकुर जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। शरद पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। सुखदेव महाराज जी जब रास का वर्णन करते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे मनश्चक्रे मन बनाया रंतुम मनश्चक्रे रमण करने के लिए मन बनाया। ठाकुर जी तो अमना है। अब इसके बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं आगे में जैसे ठाकुर जी की कृपा होगी जितना उतना मैं कहने की कोशिश करूंगा।
लेकिन ये शरद पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। आज से 5000 वर्ष पूर्व जो अंतिम सीमा वाला आनंद है, उस आनंद को अधिकारी जीवों को देने के लिए मनश्चक्रे योग माया, मन बनाने का उद्देश्य इसी ब्रज की भूमि पर क्यों इसका महत्व है। कि अधिकारी जीवों को इसी ब्रजमंडल में, इसी ब्रज भूमि में, इसी धरती पर वो अंतिम सीमा वाला आनंद अधिकारी जीवों को देने के लिए भगवान ने मन बनाया। मनश्चक्रे योग माया। अच्छा सुनो जी, ये तो हम कई बार सुन चुके हैं कि ये आनंद अनंत मात्रा का होता है, सदा के लिए होता है और दिव्य होता है। संसार के आनंद का क्षरण होता है, संसार का हर आनंद, कोई भी आनंद हो, काम सुख हो, कंचन सुख हो, लोकेशणा हो, कोई भी सुख, उसमें क्षरण हो। ये आनंद अनंत मात्रा का होता है, दिव्य होता है और सदा के लिए होता है और यह अनिर्वचनीय होता है। ये भूमा है, तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में इसको लिखा, लोक भाषा में, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम ने पूछा, बाबा इतना कहने से काम कैसे चलेगा, आप तो ये आनंद लेते रहते हो, हम भक्त भी इस आनंद को लेना चाहते हैं। तो बाबा के पास एक ही उपाय था कि जाना चाहूं, जाना चाहूं गुढ़गति जेऊं, जाना चाहूं गुढ़गति जेऊं, नाम जीह जपी जानम से, नाम जीह जपी जानम से। कोई उपाय नहीं, इस रस का रसिक बने बिना कोई उपाय नहीं है। अगर कोई पूछे कि गुड़ कैसा होता है तो मीठा होता है, चीनी कैसी होती है मीठा होता है, मधु का स्वाद कैसा होता है, रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है, तो सबका एक ही जवाब है, मीठा होता है। लेकिन गुड़ की मिठास चीनी की मिठास नहीं है और चीनी की मिठास हलवे की मिठास नहीं है
और जो मिठास हलवे में है वो ईख की मिठास नहीं है, सबका अपना अलग। ये ब्रह्मानंद अनिर्वचनीय है, दिव्य है। यह परमानंद, यह दिव्यानंद, यह ब्रह्मानंद ज्ञानियों को मिलता है। जितने साधनों की मैंने चर्चा की थी, विवेक है, वैराग्य है, समाधि खट संपत्ति है, मुमुक्षत्व है, श्रमण है, मनन है, निध्यासन है, उपरति है, इतने कठिन साधना के बाद जो ब्रह्मानंद ज्ञानियों को प्राप्त होता है, या जमनियम प्राणाह, जमनियम आसन प्राणाह पत्याह धारणा ध्यान समाधि, उस निर्वीर समाधि तक पहुंचने के बाद, कैवल्य प्राप्ति के बाद जो आनंद योगियों को मिलता है, जो आनंद ज्ञान के आठ साधनों की सिद्धि के बाद ज्ञानियों को मिलता है, वह ब्रह्मानंद परमानंद दिव्यानंद अत्यंत दुर्लभ है और करोड़ों करोड़ों में किसी एक को प्राप्त होता है। अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, शब्दों की सीमा नहीं, शब्दों की गति नहीं, वह भूमा है। लेकिन इसके ऊपर सगुण साकार ब्रह्म का आनंद है। शांत वह भूमा है। लेकिन इसके ऊपर सगुण साकार ब्रह्म का आनंद है। शांत ये अंतिम सीमा वाला आनंद है, और इस आनंद को अधिकारी जीवों को निर्वचनीय है, भूमा है, करोड़ों को मिलता, करोड़ों में किसी एक को मिलता है। और उसके लिए श्रुति ने कहा रसो वैसा, जिसको ब्रह्मानंद का की अनुभूत हुई उनके लिए श्रुतियों ने कहा रसो वैसा, मतलब भगवान का एक नाम रस आनंदो ब्रह्मेति विजानात। लेकिन
इन रसों के भी कई स्तर हैं, इसलिए वेदों ने फिर कहा स एव रसानाम रस तमः परमः। अगर रसों के स्तर नहीं होते तो वेद को श्रुति को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती। श्रुति ने कहा स रसों वै स, हां वह रस है, लेकिन फिर कहा कि स एव रसानाम रसतमः परमः। ज्ञानियों को आनंद मिला, ब्रह्मानंद मिला रसो वैसा, लेकिन जिनको महारास का आनंद मिला वो ये रसो वैसा से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनके लिए श्रुति कहती है रसतमः परमः। अंग्रेजी में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, रसतमा परमा, अब उससे ऊपर और कोई रस नहीं। मतलब ये कि जिस अंतिम सीमा वाले आनंद को योग्य अधिकारी जीवों को राधा कृष्ण ने इस ब्रज भूमि में आज से 5000 वर्ष पहले दिया, उससे ऊपर अब कोई आनंद नहीं है। वो आनंद की अंतिम सीमा है, और इसीलिए महारास में सबका प्रवेश नहीं है। भागवत में तो कैतव रहित धर्म का प्रतिपादन है, इसका लक्ष्य ही मोक्ष नहीं है। मैंने निवेदन कर दिया था, एक बात को बार बार दोहराना सुधिजनों के समक्ष उदंडता ही होगी। श्रीमद् भागवत में कैतव रहित धर्म का प्रतिपादन है, इसका लक्ष्य तो प्रेमानंद है, इसका लक्ष्य वो अंतिम सीमा वाला जो आनंद है, जो ब्रह्मानंद से भी ऊपर है, बहुत ऊपर है। अरे ब्रह्मानंद फीका पड़ जाता है। सुखदेव जैसा ब्रह्मानंदी ज्ञानी महाराज एक श्लोक की अर्धाली कान में पड़ गई। बरहा पीण नटवर वपु करणयो करणिकार, टूट गई समाधि, गायब हो गया ब्रह्मा। महाराज समाधि टूट गई, अहो बकियम स्तनकाल कोटम जिघम सया पाय यदा। अरे कैसा कृपालु है वो, अरे कैसा ठाकुर है वो, कैसा दयालु, कैसा कृपालु, कि जो हत्या करने की नीयत से गई उसको उसने वैकुंठ दे दिया। ब्रह्मानंद फीका पड़ गया, भागे भागे दौड़े दौड़े व्यास जी के यहां पहुंच गए। पिताजी हमें ये संहिता पढ़ा दी, महाराज जनक को कहा जाता है विदेह कि विनंती तो ये है कि एक कच्चे सूत के सहारे 9 मन का पत्थर राजसभा में लटका हुआ रहता था,
प्रमाण ये था कि एक क्षण के लिए जनक जी का चित्त अगर ब्रह्मचिंतन से अलग होगा तो ये धागा टूटेगा, पत्थर नीचे गिरेगा। लेकिन न धागा टूटता था न पत्थर नीचे गिरता था, ये किंवदंती है महाराज। मतलब जनक वास्तव में विदेह थे 24 घंटे। अप्रतिहता भक्ति थी, सततम सातत्यता, कंटिन्यूटी। महाराज इस सगुण स्वरूप को जनक जी ने जैसे देखा है तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलो करते अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखही मन त्यागा, इन्हीं बिलो करते अनुरागा, बर बस नहीं बिलोकत अति अनुरागा, 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 पर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा, पर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा, पर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। ब्रह्म सुख यानी ब्रह्मानंद के आनंद में डूबे हुए जनक जी के उस मन ने उस ब्रह्मानंद का बलात् त्याग कर दिया, क्योंकि उससे श्रेष्ठ आनंद की अनुभूति हुई। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, जैसे ही रूप का सगुण साकार भगवान का दर्शन हुआ, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, अबरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और एक दृश्य और है, एक इसका दृष्टांत याद करें तो जब सनकादि जी पहुंचे हैं नारायण के दरबार में, जहां जय विजय को अभिशाप हुआ है, उन्होंने राक्षस होने का शाप दिया है, वहां जब ठाकुर जी के चरणों से तुलसी के मकरंद, उसकी गंध की सुगंध की, तुलसी मकरंद वायु, व्यास जी लिखते हैं, जब आके और इन सनकादि ऋषियों जो ज्ञानी हैं, इनके नासिका रंध्र में जब प्रवेश की है तुलसी मकरंद वायु, तो उन्होंने क्या कहा, हे भगवान ये प्रेमानंद का दिव्य रस आज हमें भी दे दो, भली नरक में वास दे दो लेकिन प्रेमानंद हमें दो। ये प्रेमानंद के आगे ब्रह्मानंद फीका है, ध्यान से पढ़ेंगे वहां मतलब समझ में आएगा। यही प्रेमानंद का दिव्य रस आज शरद पूर्णिमा को अधिकारी जीवों को पिलाया गया, और इसी को पिलाने के लिए भगवान ने अपना मन बनाया। मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रिता, मनश्चक्रे योग माया। मुरली में योग
माया का आह्वान किया है। जोग माया कौन है? श्री राधिका जी हैं, वही उनकी क्रिया शक्ति है। और बिना राधिका जी के ये महारास का दिव्य आनंद घटित नहीं हो सकता और अधिकारी जीवों तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए ठाकुर जी ने जोग माया का ध्यान किया है कि देवी अब वो समय आ गया है। निशम्य गीत तदंग वर्धन व्रज स्त्रिय कृष्ण जगमरण्योन्यमलचितो धमा सयत्र कांतो जवलो रखंडला। बड़ी एक प्यारी प्यारा भजन है। बजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बा, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। धर धरत मोहन मुरली पर, ओठ पर माया विराजे बाजे रे मुरली। ओठ पर माया विराजे बाजे रे के माध्यम से जो मुरली की धुन निकली वो सर्वभूत मनोहरम थी। किंतु शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को जो मुरली बजी, इस मुरली की धुन केवल अधिकारी जीवों तक पहुंची। जो महारास के अधिकारी थे, जिनकी साधना इतनी दिव्य इतनी पूर्ण हो चुकी थी कि वो अंतिम सीमा वाले आनंद को प्राप्त करने के अधिकारी हो गए थे। करोड़ों करोड़ों जन्मों की साधना रही होगी। वात्सल्य रस के उत्कृष्ट कोटि के साधकों को भी रास में प्रवेश नहीं मिला, नंद बाबा को नहीं मिला, जसोदा मैया को नहीं मिला, सख्य भाव के उत्कृष्ट कोटि के भक्तों को भी रास में प्रवेश नहीं है, महारास में प्रवेश नहीं है, सुदामा को नहीं, मधुमंगल को नहीं, ग्वाल बालों को नहीं, सारे ब्रजमंडल के लोगों को नहीं। दास भाव के भी जो भक्त हैं उनको भी नहीं, और क्रूर भी कम भक्त नहीं है। केवल माधुर्य भाव के जो भक्त हैं, और उसमें भी जो उसकी अंतिम कक्षा है समर्थारती का माधुर्य भाव, उस कोटि के जो भक्त हैं
उनको ही महारास में प्रवेश मिला है। मुरली बजती है और अधिकारी जीवों के चित्त का अपहरण हो गया। कृष्ण गृहीत मानसा गोपियां कैसे भागती हैं, संक्षेप में ही वर्णन किया जा सकता है। साप्ताहिक कथा की यही व्यवस्था हो। कश्चित दोहम हित्वा भियुः, कोई गाय दोहन कर रही थी, मुरली की ध्वनि कान में पहुंची, जैसे के तैसे बाल्टी फेंका, दौड़ गया। कुल धर्म छूटा, पतीन सुसुत्यंत हित्वा, कोई गोपी पति की सेवा कर रही थी, मुरली की धुन उसके कानों में पड़ी, पति के कानों में नहीं पड़ी, उसने तुरंत सेवा का काम छोड़ा और जिधर से मुरली की ध्वनि आ रही थी उधर भागना शुरू कर दी। काशित संयावम अनुद्वाश्य ययवु, कोई हलवा बना रही थी, जैसे मुरली की ध्वनि कान तक पहुंची, सब छोड़ दिया, हलवा हलवा पुलाव जले, पारिवारिक धर्म छूटा, भग चली। लिम्पन्त्यः अन्याः, कोई श्रृंगार कर रही थी, जैसे थी वैसे भागी, शारीरिक धर्म छूटा। विस्तार से वर्णन है, उल्टे पुल्टे वस्त्र आभूषण पहने हैं, नाक की चीज कान में पहन ली, कान के आभूषण को नाक में डाल लिया, पैर के आभूषण को बाह में लगा लिया, बड़ा विस्तार से बड़ा लतु। ये प्रेमी की दशा होती है। कुछ कृष्ण गर्हित मानसा गोपियां अपनी कोई सुधि नहीं रही, और किसी के पति ने अगर जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो इसकी भी चर्चा है कि अपना शरीर को ध्यान लगाया, शरीर छोड़ दिया और अपने दिव्य शरीर से वहां पहुंच गई रास में आनंद लेने के लिए। भगवान ने कहा गीता में, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ दिया गोपियों ने। भगवान कहते हैं सब छोड़ करके आ जाओ तो जो गच्छे मम्बा, सब छोड़कर चले। मानस में बड़ा ललित ढंग से, बहुत सरस ढंग से तुलसी बाबा ने जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सहित सुहृद परिवारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सहित सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग पटोरी, मम पद मन ही बानी पटोरी, सब कर ममता समदर्शी चाक चुनाही, समदर्शी चाक चुनाही, हरस सुख भय कछु मन माही, ये भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा है सबकी ममता ताग बटोरी,
आ मम पद मन ही बांधी पट डोरी। भगवान कहते हैं सही भक्तों को तो मैं खोजता हूं कि समदर्शी क्या कहूं नहीं हर्ष सुख भय कछु मन मान अस सज्जन मम उर बस कैसे अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बस और देखिएगा जब वनवास हुआ है लक्ष्मण जी को सूचना मिली भगवान ने कहा आप को रुक जाओ। लक्ष्मण जी ने क्या कहा मोरे सब ही एक तुम स्वामी मोरे सवई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर्यामी मोरे सवई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर्यामी मोरे सवई एक तुम स्वामी मोरे सवई एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी दीन बंधु अंतर्यामी। भगवान के मन में अपना मन मिला दो उनके हृदय में अपना हृदय मिला दो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो उनकी आत्मा में अपनी आत्मा मिला दो ऐसे भक्तों के पीछे पीछे तो भगवान खुद चलते हैं। हम भक्तो ये भगवान की खुद की घोषणा है। देखो एक भाव है कि भगवान के पास अपना मन नहीं है। नहीं ये तो शास्त्र कहते हैं मनश्चक्रे मन बनाया। एक भाव है कि त्रेता युग में एक भक्त सुना रहे थे अयोध्या में गया तो हमने कहा है महाराज भगवान अमना है तो ये बड़े संकट की स्थिति है। मन से मन को पकड़ने का विज्ञान है। भगवान को सुख भी होता है दुख भी होता है। भगवान के पास मन नहीं रहे तो कृपालुता कहां से आएगी दयालुता कहां से आएगी वो भक्तों की रक्षा कैसे करेगा वो करुणा उसमें कहां से आएगी। संत बड़े विनोदी स्वभाव के थे। अब की मुलाकात में दीपक गए थे मेरे साथ उन्हें कहा कि नहीं शायद पहले मन होता होगा विनोद में कह रहे त्रेता युग में जब सीता जी का अपहरण हुआ और हनुमान जी को दूत बना करके भेजा तो एक संवाद दिया था कि जाकर के माता से कहना कि सो मन रहत सदा तुम पान सो मन रहत सदा सो मन रहत सदा तुम पाही सो मन रहत सदा तुम पाही जन प्रीति रस इतने माही जानू प्रीति
तीरस इतने मन। हमें तो लगता है ना कि जब निर्गुण है, निराकार है, अब ब्रह्म के रूप में है, भले मन में हो, लेकिन जब सगुण होता है, साकार होता है, और जब अपने भक्तों के घर में लीला करता है, ठुमके लगाता है, रास रचाता है, तो मन तो उसके पास रहता है। एक और भाव है रत्नाकर जी का, रत्नाकर तौ गृहं गृहिणी च पद्मा किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। देखो भक्तों के भाव को ज्यादा कसौटी पर, शास्त्रों की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। ये भाव अमूल्य है। और भगवान इस भाव के ही भूखे हैं, भाव को ही देखते हैं। अरे बड़े बड़े ज्ञानियों की उनके यहां वो इज्जत, वो प्रतिष्ठा नहीं जो भक्तों की है, भाव के भूखे। अब कितनी होशियारी है इस भाव में, कितनी चतुराई है कि रत्नाकर तव गृहं गृहिणी च पद्मा किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। लक्ष्मी ही जिसके घर में हूं, अगर मैं देना भी चाहूं भगवान को, क्या देने लायक है हमारे पास कि रत्नाकर तौ गृहं गृहिणी च पद्मा किं देयमस्ति भवते जगदीश। राधा गृहीत मनसे मनसे तुभ्यं दत्तं मया निजमं निजमनम्। देखिए क्या बोल, दत्तं मया निजमनम् तदिदं गृहाण। विष्ण जी ने अपनी मति दे दी तो बड़े अधिकार के साथ दी, दावा ठोक करके दी कि ठाकुर तुमको देने लायक है, इसलिए दे रहा हूं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल पवित्र है, पावन है, तुम्हारे योग्य है, तुम्हारे काबिल है, तुमको देने लायक है, इसलिए दे रहा हूं। ये भक्त कहता है जैसी भी है वैसी दे रहा हूं, मुझे स्वीकार करो, और तो कुछ देने लायक है ही नहीं। और दे दिया दत्तम मया, तदिदं गृहाण। रामहर्षण जी करके एक भक्त में उनका भी कि मधुर मधुर बत्तियन में मोहे हु गज की बाण, हर्षण मोह हु मोह जब जानू मोहन। इसलिए मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तु निशम्य गीतं तदनंगवर्णनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा। अच्छा एक भाव और है, एक संत बता रहे, देखो बेणू के अंदर, बेणू अपने अंदर की चीज बाहर निकालती है,
ये सब वाद्यों में बिल्कुल अलग है, विचित्र है, विशिष्ट है। और भक्त कह रहे थे कि भगवान अपना ही अमृत, अपना ही प्रेमानंद का स्वाद लेना चाहते हैं। अरे अमृत तो एक है जो जीवों के पीने योग्य है, चंद्रमा के पास है, जो देवताओं के योग पीने योग्य है वो स्वर्ग में है, लेकिन एक भगवत भोग्य अमृत है वो केवल भगवान के पास है। तो इस अपने ही अमृत को मुरली वादन से, उसके माध्यम से बाहर निकाला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, और जब वो निकाला तो ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। ये मुरली वादन के माध्यम से ये जो भगवदामृत जोग माया की कृपा से निकला है, इससे पूरा ब्रज रस प्लावित हो गया। अधिकारी जीव तो इस भगवदामृत में रसाबोर हो गए, डूब गए। गोपियां डूब गईं, भींग गईं। अरे कहीं भगवान भी इसमें भींग रहे हैं और गोपियां भींग रही। हमारे यहाँ बचपन में सुनते थे, गांव में जब गवनी बजनी होती थी तो एक जो गायक व्यास लोग थे वो एक लाइन का भजन गाते थे, पूरा तो याद नहीं। अरे कहीं भींग रहे भगवान प्रेम रस बरसाम, 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 कहीं भींग रहे भगवान प्रेम रस। निशम्य गीतम तदंगवर्धनम, इस आनंद में अधिकारी जीव भी भींग रहे हैं और वह आनंद का सिंधु जो है, आनंद का सरोवर है, जो स्वयं आनंद है, वह आनंद भी अपने इस आनंद में भींग रहा है। इतना दिव्य है यह रास। और सुखदेव जी ने कहा, रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भी, यथार्भकाः स प्रतिबिम्ब विभ्रमः। भगवान ने ऐसे रमण किया जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ नाच उठता है। जिनकी चेतना नीची है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, वो इस रास को समझ नहीं सकते। और सच पूछो तो हमारे जैसे जीवों को भी इस रास के रस में भींगने के लिए करोड़ों बार शायद उदरस्त होना पड़े। इसलिए मैं कभी भी रास में प्रवेश करने की हिम्मत ही नहीं करूंगा। मैं बाहर से केवल इस दिव्य रास का, इसकी थोड़ी सी झांकी आपको दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा, भीतर रास में प्रवेश नहीं करूंगा। अच्छा सुनो जी, एक और भाव याद आ रहा है। एक संत कहते हैं, देखो जी गोपियों का अंतःकरण, क्योंकि गोपियां ये मामूली नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद इतना दिव्य अंतःकरण चतुष्टय प्राप्त जीव जो आज अंतिम सीमा वाले आनंद को प्राप्त करने का अधिकारी बना है, तो उन गोपियों का अंतःकरण, एक संत का भाव है, उन गोपियों का अंतःकरण इतना निर्मल है कि ठाकुर को
उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। अरे उस अंतःकरण में तो ठाकुर हैं ही, बाहर से ठाकुर अपने को गोपियों के अंतःकरण में जब देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो वो खुद नाच उठते हैं और उनको नाचते हुए देखकर गोपियां उनका नकल करने लगती हैं, तो हो गया रास प्रारंभ। आत्मा रामोऽपि लीलया, ये रास भगवान का आत्मरमण है। कितना सुंदर भाव दिया जिसने भी दिया कि करोड़ों करोड़ों जन्मों की साधना से जो दिव्य अंतःकरण चतुष्टय हुआ है गोपियों का, जो वेदों की ऋचाएं हैं, देवांगनाएं हैं, देवियां हैं, देवता हैं, ऋषि हैं, इनका चिंतन अंतःकरण चतुष्टय इतना दिव्य इतना पवित्र है कि उसमें भगवान अपना प्रतिबिंब देखकर नाच उठे और उनको नाचते देखकर गोपियां उनका नकल करने लगी, अनुगमन करने लगी, तो रास शुरू हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये रास भगवान का आत्मरमण है। मुरली बजी, कृष्ण ग्रहित मानसा गोपियां पधारी हैं, भगवान ने स्वागत भी किया है। स्वागतम ओ महाभागा, प्रियं किं करवाणि वह व्रजस्यानामयं कल्चि ब्रूतागमन। गोपियों को बड़ी चोट लगी। ये स्वागत भी किया और झटका भी दे दिया। आओ आओ देवियों, स्वागत है, स्वागत है, बोलो क्या करूं तुम्हारे लिए, कैसे आई हो, प्रयोजन क्या है। संवाद तो बड़ा लंबा है, शरदरात्रि की पूर्णिमा का आनंद लेने आई हो। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, घर परिवार में कोई कलह हुई है, झगड़ा झंझट पति से। नहीं नहीं, अच्छा तो क्या मुझे देखने आई हो। हाँ हाँ, मुझसे मिलने आई हो। हाँ हाँ, मेरे पास मुझसे मिलने आई हो। हाँ हाँ, अरे तो यहां आने की क्या जरूरत थी देवियों, घर में मेरे नाम रूप लीला का ध्यान करो, मेरा गुणगान करो, घर में मेरा भजन करो। अरे सब तो देख लिया ना, अब जाओ। गोपियों के हृदय पर बहुत चोट पहुंची है। व्यास जी कहते हैं उन्हें प्रणय कोप हुआ है। प्रणय कोप के कारण वो गदगद वाणी में कहने लगी। भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा, 11 श्लोकों में जवाब दिया है। मैं भम विभोरहति भवान गदितुम निरसंशयम् संतज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्ग्रह मात्या जस्मान्
देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। संवाद लंबा है लेकिन गोपियों ने कहा कि इतने कठोर ना बनो ठाकुर, तुम जानते हो, सब कुछ जानते हो कि संतज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम, सब कुछ छोड़ दिया, सारे विषयों को छोड़ दिया, कुल छोड़ा, परिवार छोड़ा, पारिवारिक धर्म छोड़ा, सारे लोक धर्मों का परित्याग कर दिया, सारे विषयों का परित्याग कर दिया, संतज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम, अरे मोरे एक सबही तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी मेरे, प्रारंभ हो गया तो अभिमान हो गया गोपियों को, अभिमान हो गया तो भगवान गायब हो गए, करुण रोदन शुरू हुआ है, ए पृथ्वी तू बता कहां गए गिरधारी, तुलसी तूने तो देखा होगा तू बता दे कहां गए, खोजते खोजते रास्ते में मूर्छित पड़ी हुई राधे जी मिली हैं, राधा जी को लेकर के सारी गोपियां जमुना तट पर गई हैं, अंतरहिते भगवती सहसेव व्रजंगना, व्याकुल गोपियों ने विरह में गोपी गीत गाया है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गीत है, हम लोग इस गीत को गाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। जयति ते दिकम जन्मना ब्रज सयथ Sa Krishna,
मैं तो इस गीत की व्याख्या में पढ़ता नहीं, क्योंकि इस गीत की एक एक पद की व्याख्या करने की कोशिश करता हूं तो मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, इसलिए मैं इसको गा करके खुद आनंद ले लेता हूं। भक्तों के लिए थोड़ा बहुत संकेत कर देता हूं। गोपिया कहती है, प्रभु आपके ब्रज में आने से ये चंचला लक्ष्मी भी स्थिर हो गई। ये कभी स्थिर होते हुए इनको देखा नहीं गया, आज यहां है कल वहां है, और इस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए देखो ना, आप विचार करो हम लोग क्या क्या पाप करते हैं। और मंत्र वाक्य ये बोल रहा हूं, पाप से लक्ष्मी कदाचित आ भी जाए तो ठहरती नहीं, अरे लक्ष्मी तो नारायण की सेवा से आती है। जहां सतोगुण होगा, जहां भक्ति होगी, जहां नारायण होंगे, वहां ही लक्ष्मी का वास। गोपिया कहती है, प्रभु आप आए और जब से ब्रज में आए, ये लक्ष्मी जिनको चंचला कहते हैं, जो स्थिर नहीं रहती, यहां आकर अब स्थिर हो गई हैं, ठहर गई हैं। आपने इतने असुरों से हमारी रक्षा की, बकासुर अगासुर, और सारे असुरों से रक्षा करके अपने विरह में अब हमें मार रहे हो। अस्त्र शस्त्र से बध करना ही बध होता है क्या, ये विरह में जो मार रहे हो, ये अपनी विरह में जो मार रहे हो, तो वो क्या हम गोपियों का बध नहीं है? अरे हमने तो अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, पति धर्म छोड़ा, कुल धर्म छोड़ा, सर्व लोक धर्मों का त्याग कर दिया, आप कहते हो आपके समय नहीं, आपके पास त्रिलोक के कार्यों में व्यस्त रहते हो, लेकिन ब्रज में जन्म लेने के कारण हमारा पहला अधिकार आप पर है, हम सारे विषयों को त्याग करके आई हैं, अब हमें विरह की अग्नि में ज्यादा न जलाई। अरे इस विश्व को तो केवल आपकी अमृत रूपी कथा ने बचा कर रखा है, अगर ये कथा नहीं होती तो समाज तो त्रिताप में कब का जलकर भस्म हो गया होता। तव कथा अमृतम जीवन गायब हो गए,
और पैर में कंकड़ चुभे तो, कांटे चुभे तो कैसा लगेगा? हम तो आपके पांव को अपने स्तन पर सटाने में भी हमको भय लगता है। आपके पांव इतने कोमल हैं कि चुभे ना। जत्ते सुजात चरणा बुरुहस्तने सु भीतासने प्रिय दधि महि कर्कशे सु तेनाटवी हमारे यहाँ एक भोजपुर में गुरुजी हुए थे गायत्री ठाकुर जी, तो इतना मधुर भजन अपने बनाते थे, अपने गल जाते थे। मुझे उनकी याद आ गई तो उनकी एक पंक्ति भी याद है, बड़ी मधुर पंक्ति है कि बेदर्दा दर्द दे ले बा, मैंने जिसने ये दर्द दिया है वही दवा देगा, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा दोगे, उसी का भाव है। भोजपुरी बड़ी मीठी भाषा कि बेदर्द दर्द दे ले बा, उहे नु दी दवाई हो, बेदर्द दर्द दे ले बा, उहे नु दी दवाई हो, बेदर्द दर्द दे ले बा, उहे नु कन्हा के नाम के जप के विरह के आग में तप के, कन्हा के नाम के जप के विरह के आग में तप के, कन्हा के नाम के जप के विरह के आग में तप के, जोगिनिया हम बनी जाए, जोगिनिया हम बनी जाए, यहीं में पाबलाई हो, बदरदा दर्द दे ले बा, दी दवाई। इतना कह कर के गोपियों ने एक स्वर से रुदन शुरू किया है। महाराज
किरुर्दुः सुस्वरं राजन्। उद्देश्य भी लिखा कृष्ण दर्शन लालसा। अब देखो सूत्र क्या है, रोने से भगवान मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं। रोने से ठाकुर सुनता है, सुनता है, सुनता है, सुनता है। रोने से ठाकुर का चित द्रवित होता है, होता है, होता है। ये रोना टेलीफोन की घंटी की तरह से, टेलीफोन में अगर नंबर आप दबाएं तो जिस नंबर को दबाएंगे वहां वो जाकर रिंग करेगा। अगर शुद्ध चित्त से प्रायश्चित के आंसू निकलेंगे और दर्शन की उठकत अभिलाषा से अगर आंखों से अश्रू निकलेंगे तो ठाकुर को पता चलता है। और ठाकुर इतना निर्मोही नहीं है, और सुनो भगवान को देने के लिए सबसे बड़ी भेंट अगर कोई है तो ये आंसू। लेकिन इतने सस्ते भी नहीं है। सुनो ठाकुर के नाम से, ठाकुर के लीला के स्मरण से और ठाकुर के दर्शन से, ठाकुर के भजन से, ठाकुर के गुणगान से, ठाकुर के स्मृति से अगर चित्त द्रवित न होता हो और आंखों में आंसू न आते हो तो पक्का ये मान लो कि हृदय बहुत कठोर है, रजोगुण और तमोगुण का बहुत बड़ा आवरण है चित्त पर। अपनी बात नहीं कर रहा हूं, भागवत ने लिखा है, मैं उस प्रसंग में जाऊंगा लंबा हो जाए। जब ठाकुर की कृपा होगी चित्त शुद्धि होती है, गदगदायत भगवत्ता प्रकट होगी तो उसका सबूत। ये नाटक करके आंसू नहीं निकलेंगे, और वो आंसू भी ठाकुर पहचानता है। गोपियों ने सस्वर इतना करुण रुदन किया है, ठाकुर को प्रकट होना पड़ा है। भगवान प्रकट हुए हैं। कामदेव के सौंदर्य को भी लजाने वाला, करोड़ों कामदेव के सौंदर्य के से भी अधिक सुंदर बपू के साथ ठाकुर प्रकट हुए। देखो ये गोपियों का प्रेम, देखो प्रेम के बारे में बड़ी गलतफहमी है। आज का जुआ वर्ग तो काफी ही भ्रमित है। कोई प्रेम विवाह करे मैं उसका विरोध नहीं करता। प्रेम जाने तो क्या है, अटैचमेंट इज नॉट लव एंड लव इज नॉट अटैचमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट हैज ऑलवेज ए रीजन, लव हैज नॉट। Attachment has some expectation, love has not. Attachment has a principle, give and take. There's nothing like this in love. There is always a region in attachment. The region ends, attachment ends. There is no reason in love. There is expectation in attachment. The moment this expectation ends, attachment ends. This attachment is not love. Love means without reason.
विदाउट एक्सपेक्टेशन। कारण जहां हो गई, इस कारण से हम प्रेम करते हैं। कारण समाप्त, प्रेम समाप्त। अपेक्षा हो गई, अगर मेरी आपसे कुछ, आपकी हमसे कुछ, अपेक्षा समाप्त, वो अटैचमेंट समाप्त। और देखो, जिस प्रेम की बात हम लोग कर रहे हैं, ये तमोगुण जीवों में हो ही नहीं सकता, ये रजोगुण जीवों में हो ही नहीं सकता। अटैचमेंट होगा, वो पत्नी से होगा, पुत्र से होगा, भाई से होगा, मित्र से होगा, लेकिन वो अटैचमेंट है। पत्नी को इस बात की अपेक्षा है कि पति मुझे प्यार करे, मुझे सम्मान करे, मेरा पोषण करे। जिस दिन पति पत्नी का सम्मान करना छोड़ दे, प्रेम करना छोड़ दे, उसका पोषण करना छोड़ दे, प्रेम खत्म। वैसे ही पुत्र को भी पिता से एक्सपेक्टेशन है, और पिता को भी पुत्र से इस बात की अपेक्षा है कि बुढ़ापा में मेरा सहारा बने। ये माइक रिश्ते हैं। मित्रता में भी अपेक्षा है, हर संबंध में एक्सपेक्टेशन है, हर संबंध में अपेक्षा है कि हमने अगर आपके लिए इतना किया तो कम से कम इतना आप मेरे लिए करिए। कुछ भी ना कर सके तो कम से कम मैं आपको स्नेह करता हूं तो बदले में मुझे स्नेह तो करिए। मैं आपको प्रेम करता हूं तो बदले में आप मुझे प्रेम तो करिए। कम से कम इतनी तो अपेक्षा है ही संसारिक संबंधों में। तो इसको प्रेम नहीं कहा अध्यात्म में। तो प्रेम किससे हो सकता? एकदम अनकंडीशनल। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, देयर इज नो रीजन, एंड देयर इज नो कंडीशन। दैट इज लव। एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की से प्रेम करता है, मतलब अपने अंतःकरण प्रेम शरीर से थोड़े, वह अपने मन को उस युवा स्त्री के मन से मिलाना चाहता है। और एक निश्चित बिंदु तक तादात्म्य बैठ जाता है तो मन थोड़ा मिल भी जाता है, संबंध में परिवर्तित होता है, स्नेह बढ़ता है। उसी को लोग प्रेम, अटैचमेंट है, प्रेम कहते हैं। शादी भी कर लेते हैं, पति पत्नी भी बन जाते हैं, 6 महीने के बाद तलाक भी हो जाता है। हजारों केसेस देखे हैं हमने, 6 महीने में तलाक। देखो, जिंदगी को बड़ी संभाल करके जीना है। बिरले मिलेंगे जो बिना इच्छा के, बिना अपेक्षा के, बिना रीजन के, बिना कारण से। आप ऐसे जो लोग होते हैं वो सतोगुणी लोग, गुरु शिष्य से करता है, बिना अपेक्षा के, बिना कंडीशन के, बिना किसी प्रकार के रीजन के, गुरु शिष्य से करता है, शिष्य गुरु से करता है। असली गुरु और शिष्य की बात कर रहा हूं, नकली बहुत। व्यासपीठ से मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिससे मर्यादा का उल्लंघन। तो इसीलिए मैं अपने जीवन के अनुभव से कहता हूं, 3 ही रिश्ते विश्वसनीय हैं, गुरु और शिष्य का। मतलब आपके लिए आपका गुरु भरोसेमंद है, ईश्वर भरोसेमंद है, और जो संत हैं, सज्जन हैं, सतोगुण में स्थित जीव हैं, वो आपके सुहृद हो सकते हैं, वो आपके सखा हो सकते हैं, वो विश्वसनीय हो सकते हैं। ये 3 के आगे और 3 के अलावे संसार के जितने संबंध हैं, सबका कुशलता से, निरपेक्ष भाव से निर्वाह कीजिए। मैं ये नहीं कहता सारे संबंध त्याज्य हैं, लोक व्यवहार में
हैं तो उन्हें रखना है, लेकिन भरोसा सिर्फ गुरु पर, संत पर और ईश्वर पर, ये मेरे जीवन का निचोड़ है। जो सत्य में प्रतिष्ठित है वह सत्य है, उसको आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। गोपियों का प्रेम ये उदात्त प्रेम है। थोड़ा संवाद भी हुआ है जब भगवान प्रकट हुए हैं तो गोपियों ने बड़ा मजेदार सवाल किए हैं, इसीलिए मुझे ये प्रसंग आ गया। तो मैंने कह दिया कि प्रेम के महाराज संसार में तीन तरह के लोग होते हैं, एक प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, मतलब देयर इज अ कंडीशन, इफ यू लव देन ओनली आई लव यू, इफ यू डोंट लव व्हाई शुड आई लव यू, इस कैटेगरी के, आई लव ओनली व्हेन यू लव मी, इफ यू डोंट लव मी आई वोंट लव यू, आप मुझे प्यार नहीं करो मेरे क्या पड़ी, मैं क्यों प्यार करूंगा आपको। तो महाराज एक तो एक तरह एक लोग होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करने वाले होते हैं, और दूसरा ऐसे होते हैं जो अकारण प्रेम करने वाले होते हैं। अकारण प्रेम करने वाले बहुत होते हैं, ईश्वर तो अकारण ही अनुग्रह करता है, गुरु तो अकारण ही प्रेम करता है, मां जन्म देने वाली भी अकारण ही प्रेम करती है। ईश्वर ने अपने करुणा का एक विशेष अंश मां के हृदय में दे दिया है, पुत्र अगर कुपुत्र हो तो भी उसके प्रति उसकी ममता घटती नहीं है, लेकिन वह दिव्य प्रेम जो मां के हृदय में है वह ईश्वर प्रदत्त ही है, वह ईश्वरीय प्रेम ही है, वह भगवत प्रेम ही है। तो महाराज एक तो प्रेम के बदले प्रेम करने वाले होते हैं, एक अकारण प्रेम करने वाले होते हैं, एक किसी से प्रेम न करने वाले होते हैं, ये तीनों कौन होते हैं? भगवान ने उसका जवाब भी दिया है, भाई देखो प्रेम के बदले प्रेम तो व्यवहार है जैसा मैंने बताया, अकारण प्रेम तो केवल माता पिता करते हैं, और किसी से प्रेम न करने वाले चार तरह के होते हैं। गोपियां करें आत्मा राम आत्मनु अकृतज्ञ और गुरुदोही, गोपियों ने कहा इसमें से आप कौन हो? भगवान ने कहा इसमें से तो मैं कोई नहीं हूं, भगवान को ये प्रेमियों का वार्ता है। देखो गोपी एक भाव है, और आदरणीय श्री से ही मैंने सीखा है सुन सुन करके कि गोपी उसको कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है, यही गोपी भाव है। परमात्मा के साथ नित्य विहार करना ये गोपी भाव है। तो भरत भी गोपी है और शिव जी को भी गोपी बनकर आना पड़ा महाराज। भगवान प्रकट हो गए हैं, महाराज की अब तैयारी शुरू हो गई है। भगवान ने गोपियों से कहा है कि मैं तुम्हारा ऋणिया न पार हैं निर्वध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवः क्षमा भजन दुर्गे देह श्रृंखला समेश्य तद्वह प्रत्यातु साधु। तो रहा सोत्सव संप्री संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेण मध्य भोला बाबा भी उसमें पहुंचाए। एक दिन ओ भोले भंडारी
बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना तिहारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बनिक ब्रज की नारी वृंदावन आ गए वृंदावन आ गए। और एक यहाँ और भजन बड़ा रसिक लोग वृंदावन के गाते हैं, मुझे बड़ा सुंदर अच्छा रास रचो है रास रचो है यमुना के नरे सखी रास रचो है रास रचो है यमुना के सखी रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाच नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाच नाच गोपी जन मन मेरो बन गयो सती पावन वृंदावन दास रचो है दास रचो है यमुना के नरे सखी दास रचो है दास रचो है यमुना के नरे सखी दास रचो है। ओ महाराज बड़ा दिव्य हुआ है महाराज, महाराज का वर्णन भीतर प्रवेश करके हम नहीं कर रहे हैं, पहले ही मैंने निवेदन किया था। परीक्षित का संदेह हुआ है और परीक्षित का अपना संदेह नहीं है, लोक में रजोगुणी जीव संदेह न करें, इसलिए उसका समाधान भी सुखदेव महाराज ने चाहा कि हो जाना चाहिए। तो परीक्षित जी के मुंह से शंका करवाई है, उनके संदेह का निराकरण किया है कि जो सक्षम लोग हैं भगवान में कोई दोष नहीं है। भगवान सर्वम कर्तुम अकर्तुम सर्वतम कर्तुम सर्वम कर्तुम सख्य हैं समर्थ हैं। इसके बाद सुदर्शन और शंखचूर्ण के उद्धार की कथा है, जुगल गीत हुआ है, अरिष्टा वध की कथा है, केसी वध हुआ है और अक्रूर के ब्रज आने की कथा तो इतनी रसीली है इतनी मधुर है। नारद जी ने जाकर के और बता दिया कंस को कि अरे वो कृष्ण जो है ना वही तुम्हारा काल है, किसी बहाने उसको बुलाओ यहां। अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुलाकर अपनी पूरी योजना बताई। कंस ने कहा कि जाओ, अक्रूर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, राजाज्ञा का पालन तो करना था लेकिन उनको बात पची नहीं तो संकेत में कहते भी गए, मनोरथान करोति उच्चै जनो देवहतान भी जुज्यते हर्क सोकाभ्याम तथा प्याग्या करो मिते। चले हैं महाराज, वहां से चले हैं। अकुर जी सोचते हुए आ रहे हैं, वहां कहा है कि देखो अब तो क्या विधाता करना चाहता है, लोग मनोरथ तो करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तरह तरह के संकल्प करते हैं लेकिन विधाता को क्या मंजूर है क्या होना है ये तो वही जान। और देखो जी सतोगुणी मन में उठा हुआ संकल्प तो जरूर प्रकृति पूरा कर देती है दैवी अनुग्रह से ईश्वरीय कृपा से, लेकिन तमोगुणी और रजोगुणी जीवों के मनों में उठने वाले संकल्प का मूल्य प्रकृति में शून्य है। अगर प्रकृति तमोगुणी और रजोगुणी हमारे जैसे रजोगुणी जीवों के मन में उठने वाले संकल्प को पूरा करने लगे तो पूरी व्यवस्था बिखर जाएगी भगवान की। तो ये सामर्थ्य केवल सतोगुण में प्रतिष्ठित जीवों को ही है,
क्योंकि उनके चित्त वृत्ति में कोई मल विक्षेप नहीं होता, कोई अशुद्धि नहीं होती, केवल लोक कल्याण की भावना होती है, अपने लिए कुछ नहीं होता। इसलिए उनके मन में अगर कोई कामना आ जाए और वह कामना संकल्प का रूप ले ले तो प्रकृत को उसको पूरा करना बाध्यता हो जाती है और यही वरदान और अभिशाप का भी ज्ञान है। तो संकेत किया है अक्रूर जी ने कि तुम्हारे मन में जो संकल्प उठा है, उठा तो ठीक है, लेकिन हुई है सोई जो राम रच राखा, का कर कर पढ़ावै और सोचते आते हैं कि वहां जाएंगे क्या करेंगे, भगवान किस तरह से हमको मिलेंगे, कैसे हमको अपनाएंगे, कहीं हम पर संदेह तो नहीं करेंगे, कहीं हमको मिलेंगे, हमको गले लगाएंगे, चाचा चाचा काका काका कह करके बुलाएंगे, मेरा स्वागत करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, फिर कुशल क्षेम पूछेंगे, तरह तरह के भाव, तरह तरह के विचार। तो भगवत चिंतन करते ही रथ पर सवार हो के द्रक्षामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकार्णं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति मे। ये भाव लेकर ठाकुर जी का दर्शन करने आते हैं और गोष्ठ में ही श्री कृष्ण बलराम के दर्शन हो जाते हैं। साष्टांग रूप से गिरे हैं साष्टांग प्रणाम करने के लिए, ठाकुर जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, जो जो कल्पना करके आए थे वही वही सब कुछ हुआ है। घर लाए हैं, अकुर जी ने पूरी कंस की योजना बता दी और ये भी संकेत किया कि बाबा मैया को मत बनाना, डर जाएंगे, जाने नहीं देंगे, ये बात हम तीनों के बीच में रहेगी, मतलब बलराम जी जानेंगे, कृष्ण जानेंगे, अक्रूर जी जानेंगे। अक्रूर जी ने गोपनीयता को बरकरार रखा है, लेकिन महाराज पूरे ब्रज में तो बात फैल गई कि कोई आया है, अरे कन्हैया को, लाला को, इस कृष्ण को, हमारे प्राणधन को कोई ले जाने के लिए आया है। गोपियां तो बिल्कुल विरह में पागल हो गईं और ब्रह्मा को ही अब गाली दे रही हैं, अहो विधाता तवन क्वचित दया संयोज मैत्रा प्रणय मिलन परिचय स्नेह पुनः वेला विदा की। मिलन होता है, परिचय होता है, स्नेह होता है, अनुराग होता है, और यह तो सात्विकी अनुराग है, यह तो माधुर्य भाव का समर्था रति का प्रेम है, अत्यंत उत्कृष्टतम जो सगुण साकार ब्रह्म का आनंद होता है, उसकी जो सर्वोच्च कक्षा है, जो माधुर्य भाव के समर्था रति का प्रेम, वो अनुराग है गोपियों का। अरे ब्रह्मा क्या तेरी लीला, मिलाता है, परिचय कराता है, स्नेह में बांधता है और फिर बिछोह पैदा कर देता है। अहो विधात त्वत्क्वचित दया कितना कठोर है तू संयोज मैत्र प्रणय कृता पार्थ
विक्रीडितं ते भकचेष्टितम्। क्रूर जी को भी नहीं छोड़ा, क्रूरस्तम अक्रूर समाख्यास्म नश्चूर ही दत्तम हर से। बहुत दुखी हो गई। एक तो कहती है अब लाज कैसी और क्या कुल मर्यादा की चिंता, मैं तो रथ रोक लूंगी। निवारयाम समुपेत्य माधवम् किं नो करिष्यन् कुलवृद्धवान्। इस तरह से सुख एवं रुवण व्रुवाण विरह तुरवृषम पुरज स्त्रिय कृष्ण विष। सारी रात गोपियां विलाप करती रही। गोपियां के भाव को भोजपुरी में कि विधाता ही कसाई बा, विधाता को कसाई कर रही, अक्रूर को विपत्ति कह रही। अक्रूर विपत्ति है विधाता की। विधाता ई कसाई बा विपत्ति कहवा से आई। विधाता ई कसाई बा विपत्ति कहवा से आई। विधाता ई कसाई बा विपत्ति कहवा से आई। विधाता ई कसाई कन्हैया के बिना गैया, कन्हैया के बिना गोपी, कन्हैया के बिना गैया, कन्हैया के बिना गोपी। गिरह के आग में जल के सबे मरी जाई हो। विधाता कसाई बा विपत्ति कहवा से आई। माता की कसाई बा विपत्ति कहवा से आई। माता की कसाई बा विपत्ति कहवा। सारी रात गोपियों ने विलाप किया है। जशोदा कहती है लाला तू चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी। परस्व आगमिष्यामि, मैया परसों आ जाऊं। गोपियां रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। रथ से उतरे और एक दूत से कहलवा दिया चिंता की बात नहीं है जल्दी आ जाऊं। राधा जी को देखा है, संकेत में अपने अवतार का प्रयोजन बता करके मन ही मन विदा ली है। रास्ते में अक्रूर जी को दर्शन दिया है, अक्रूर जी ने स्तुति की है। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत छया, नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां। मथुरा में प्रवेश हुआ है, भगवान का भव्य स्वागत हुआ है। मैं समय कम है,
कथा का मैं थोड़ा समास विधि से, धोबी का उद्धार किया, माली पर कृपा की है, कुब्जा पर कृपा हुई है, कंस के सभागार में घुस करके धनुष को भंग किया है, लौट कर रात्रि में विश्राम किया है, दूसरे दिन रंगशाला में प्रवेश करते समय कुबलया पीड़ हाथी का वध किया है, और वहां जिसने भी भगवान के दर्शन किए तो मल्लानाम सनिर्निर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमाम गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्यु भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिना विष्णुनाम परदेवते विदितो रंगः गतः साग्रजः जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत से जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत से का वध हुआ, मुष्टि का वध हुआ, सल तो सल का भी कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है, और अंत में श्री कंस जी का, मामा जी का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। भगवान तो यही उद्धार करने आते ही हैं कि जब जब हो धर्म के तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपाली सजन पीरा हरहि कृपाली सजन पीरा। बात देव देवकी को कारागृह से मुक्त किया है भगवान ने, फिर संदीपनी आश्रम गए अध्ययन के लिए, और वापस जब आए हैं तो भगवान बड़ा उदास रहते हैं। मैं समास विधि से मैं आगे ले चलता हूँ क्योंकि कुछ संत भी पधारे हैं, उनका आशीर्वाद भी लेना है। भगवान बहुत उदास रहते हैं। उद्धव जी ने एक दिन पूछा, महाराज आप बहुत उदास रहते हो, तो भगवान ने बड़ी करुण आवाज में कहा कि उद्धव मोहि ब्रज विसरतना। हंस सुता सुंदर हो कदमनी की छान, हंसे सुता को सुंदर कलर, अरु कदमन की छान। उधो मुझे नंद बाबा, मैया जसोदा, ग्वाल वाल सिदामा मधुमंगल और गोपियों की याद आती है। मुझे सर्दी भी होती तो मैया आसमान सर पर उठा लेती, झाड़ फूंके करती, नजरें उतारती, ब्राह्मणों को बुलाती, मंत्र से गायों की पूंछों से झाड़ा लगवाती, नजरें उतारती, मेरे आने के समय मैया कैसे रास्ते में आकर खड़ी हो गई। लाला अरे तू जा रहा है,
इतना तो बता दे मैं कैसे जीऊंगी। और उधो मैंने मैया से झूठ बोला, मैंने कहा परस्व आगमिष्य माँ, अरे तू चिंता ना कर परसों आ जाओ मैया, मेरे आते समय मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ी, लाला लाला रुक जा, और मैं झूठ बोलते हुए निकल गया। परस्वागमिष्य हरुदो, मैया ने कहा था लाला तुम्हारे बिना जीना बहुत कठिन हो, किसे नहलाऊंगी, किसे वस्त्र पहनाऊंगी, किसके लिए मक्खन निकालूंगी, किसको अब मक्खन खवाऊंगी। हरुदो ये जो गोपियां है ना, मतलब उनका तो प्राण ही मुझ में बसता है, किस तरह क्रूर जी के आगमन की सूचना मिलते ही विरह विलाप करते करते उनकी सारी रात कटी थी मुझे खूब याद है। किस तरह विरह क्रंदन करते करते सारी गोपियों ने मेरे रथ को रोका था, कन्हैया मत जाओ मत जाओ, मैं उनको रोते हुए छोड़कर चला आया। किस तरह गायें चराने जाते समय वे मेरा रोज दर्शन करती थी, अरे मैं शाम को जब गाय बछड़ों के साथ लौटता था तो रोज मेरी प्रतीक्षा करती थी। उधो ये सीतामा मधमंगल सहित सारे ग्वाल बाल मेरे प्राण थे, मुझे बहुत याद आते। उनके साथ बिताए एक एक क्षण की याद मुझे चैन नहीं लेने देती। वे आज तक वृंदावन मथुरा की सीमा पर सुबह से शाम तक बैठते टकटकी लगाकर मथुरा की तरफ निहारते हैं कि आज खाना जरूर आएगा, परसों ही लौटने को कह कर गया है। मेरे आने की आशा में रोज मथुरा की सीमा पर टकटकी लगाकर सुबह से शाम तक देखते हैं, जब शाम तक मुझे नहीं देखते, मेरे आने की कोई आहट नहीं मिलती, तो वहां से रोते हुए उदास होकर के जाते हैं और जसोदा मैया से शिकायत करते हैं, मैया ये कान्हा ये कन्हैया ये तेरो लाला ये बड़ा झूठा निकला, बड़ा बेईमान बड़ा कपटी निकला, आज भी नहीं आया। उधो मुझे उनकी याद आती है, मैं गोचारण को जाता था ना उधो, तो मुरली वादन करना था तो सारे बछड़े मेरे तरफ दौड़ करके आ जाते थे और टकटकी लगा करके मुझे देखते थे। गाय मुंह में चारा चरवण करना बंद करके
टकटकी लगाकर मेरा मुरली वादन सुनती थी। मुझे वो बछड़े याद आ, मुझे वो गायें याद आती हैं। अरे तुम तो ठाकुर हो, तुमको भी दुख होता है, संसार के व्यवहार से तुम दुखी हो ठाकुर। अरे तुम तो आत्मा राम हो, ब्रह्म हो, मालिक हो, तुमसे ये सारी दुनिया है, सृष्टि है, तुम रोते हो, तुमको तकलीफ होती, हाँ होती है, अब अमना नहीं है ठाकुर। मैं तुम्हारे दुख नहीं देख सकता, मैं क्या कर सकता हूं मुझे बताओ। ठाकुर ने कहा एक ही उपाय है, कोई ऐसा उपाय कर दो जिस दिन ये ब्रजवासी मुझे याद करना भूल जाए, मेरी स्मृति में रोना भूल जाए, उस दिन मेरा दुख दूर हो जाएगा। किसी तरह से अगर मुझे सुखी करना चाहते हो तो उनको ऐसा ज्ञान का घूंट, ऐसी ज्ञान की बूटी पिला करके आओ कि उनके मन में जो ये करुण खंडन मेरे विरह में निरंतर चल रहा है, वो पीड़ा उनकी दूर हो जाए तो मुझको सुख मिलेगा, ये काम कर। उन्होंने कहा ठाकुर मैं तुम्हारे लिए करूंगा, और ये चिंता न करो, ये चुटकी भर की बात है, मैं यूं गया और यूं आया। लेकिन ठाकुर एक तो संकट है। ठाकुर ने कहा भाई मेरा काम है, अब इसमें संकट क्या हो गया। कहा ठाकुर एक छोटी सी कठिनाई है कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं सम की बात करूंगा, मैं दम की बात करूंगा, मैं तितिक्षा की बात करूंगा, मैं समाधि खट संपत्ति की बात करूंगा, मैं उच्छित्त की बात करूंगा, मैं श्रवण की बात करूंगा, मैं मनन की बात करूंगा, मैं निधि ध्यासन की बात करूंगा, मैं उपरति की बात करूंगा, तो क्या मेरे इन चीजों की, इन बातों की, इन साधनों की बात उन अनपढ़ गोपियों को, ग्वालों को समझ में आएगी। ठाकुर ने कहा तू बात करेगा, तेरी बात वो सुनेगी, तब तो नहीं सुनेगी। ये ले मेरा पीताम्बर मेरे सखा, ये पीताम्बर तुम्हारे गले में पहना देता हूं, ये पीताम्बर मेरी निशानी है, ये पीताम्बर देखेंगी तब तुमको मेरा दूत, मेरा संदेश वाहक, मेरा सखा मानेंगी, और तभी वो सुनेंगी। वो केवल मेरी सुनती है या मेरे सखा की सुनेंगी, वो दुनिया में किसी की नहीं सुनती। और ये पीताम्बर नहीं ले गया तू तो तेरी भी नहीं सुनेंगी। तू पीताम्बर लेकर के जाओ, कोशिश कर। उद्धव जी बोले ठाकुर अभी जाता हूं, और समझाकर यूं गया, अब तो सुनेंगे ना, पीताम्बर दे दिया, हाँ ये सर्टिफिकेट है ये दे दिया, अब सुनेंगे, बस सुन लेंगे तब मैं समझा दूंगा, जाओ समझा करके आओ। उद्धव जी का प्रवेश हुआ है। आज रथ वृंदावन की ओर आते देखकर सीमा पर जो ग्वाल बाल प्रतीक्षा में रोज रहते थे चहक उठे हैं,
कान्हा आयो गोपाल आयो लाला आयो आ गयो आ गयो आ गयो। मधमंगल तो उठ गया, मुझे नहीं मिल लो, काहे को आयो, इतने दिन तड़पायो, मैं नहीं मिलूंगा। सारे ग्वाल बाल जब दौड़े हैं तो उससे भी रहा नहीं गया, बोला अरे बाद में ये रूठने का मनाने का खेल तो बाद में भी हो जाएगा, ये शिकवा शिकायत बाद में हो जाएगी, अभी तो पहले चल करके कृष्ण से मिल लेते हैं। जब नजदीक रथ आया और उद्धव जी रथ से उतरे नहीं तो ग्वाल बालों को लगा है कि अरे कृष्ण होते तो रथ से उतर जाते, नजदीक से देखा तो कान्हा नहीं है। बोले मैं कृष्ण का सखा हूं, उद्धव हूं, नंद बाबा का घर खोज रहा हूं, बताओ। तो रोते रोते ग्वाल बाल बोले वारे कन्हैया एक तो गया और आज तक लौटा, ऊपर से अपने सखा को भेज दिया। उद्धव जी को नंद के घर का रास्ता बताया, देखो ये पनाला है ना, इसमें पानी है, इसको गंदा नाला मत समझना, ये लाखों लाखों गायें, लाखों लाखों बछड़े, लाखों लाखों गोपियां, लाखों लाखों ग्वाल, ये सबके आंखों के आंसू हैं जो पनाला बन करके। सीधे इसको पकड़े जाओ, जहां इसका अंत होगा नंद बाबा का घर है, वहां पहुंचे हैं। और जैसे ही नंद पहल के पास पहुंचे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 बाबा के महल से कृष्णा 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 कृष्ण की आवाज आ रही है। नंद बाबा से भेंट हुई है, स्वागत हुआ है, भोजन हुआ है, वार्ता हुई है। नंद बाबा ने पूछा है अप्य स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखिम गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। और यशोदा की तो हालत देखी उद्धव बाबा ने, तो उनकी हालत खराब हो गई। यशोदा जी कह रहे अरे थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा आवाज नीची कर लो, मेरा लाला सोया है जग जाएगा। जब नंद ने पूछा कि बताओ हमारा कन्हैया कभी याद करता है, ये ब्रज को याद करता है, अपने सखाओं को याद करता है, अपने बूढ़े माता पिता को याद करता है, स्मरति न कृष्णो मातरम गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम। औधो जी ने अपना उपदेश देना शुरू कर दिया, अरे बाबा अरे वो जिसको तुम अपना पुत्र मानते हो किसी का पुत्र नहीं है, न माता न पिता तस्य न भार्या सुतादय न आत्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मये। उसका किसी का माता नहीं, किसी का पिता नहीं, न किसी का सूत्र नहीं, न उसका देह है, न उसका जन्म होता है, वह तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। नंद कहते हैं अरे उद्धव कैसी बातें करते हैं, जिस लाल को अपने हाथों खिलाया है, जिसको दुलार किया है, उसे कैसे समझाऊं, इन हाथों को कैसे समझाऊं, जिन नेत्रों ने उसकी बाल लीला देखी है, इन आंखों को कैसे समझाऊं। मैं उसे कैसे मान लूं कि वो निराकार है, निर्गुण है, वह ब्रह्म है, भगवान है,
मैं इन हाथों को कैसे समझाऊंगा, इन आंखों को कैसे समझाऊंगा, और यशोदा तो कुछ बोल ही नहीं पाती है। वात्सल्य भाव के इस प्रेमानंद को देख करके उद्धव के ज्ञान का गर्व चूर चूर हो गया। अभी माधुर्य भाव के प्रेमियों से तो मुलाकात भी नहीं हुई। सुबह हुआ, उद्धव जी जमुना जी की तरफ निकले तो गोपियां दिखाई पड़ी हैं। गोपियां कह रही हैं, ये अक्रूर ही आपस आ गया क्या, या कोई और है? ये हमारे कन्हैया की जैसी वेशभूषा धारण करके ये वैसा ही दिखाई दे रहा है, ये इसी तरह से ये अक्रूर ही है, भेष बदल कर आया है, या कोई और है? यहां भ्रमर गीत हुआ है, मधुपकी तप बंधो मांस पिसांग्री सपत्न्या उच्छ्वसित माला कुंकुम स्मर। बहुत दिव्य भ्रमर गीत है ये। मेरी नजर घड़ी पर है, एक भौरा किशोरी जी के चरणों में आकर के जब बैठ गया तो उसी भौरे को आधार बनाकर उलाहना देते हुए गोपियां कहती हैं, बहन सारे काले कपटी होते। उद्धव जी सुन रहे हैं, कृष्ण हमें वैसे ही छोड़कर चला गया जैसे जंगल में आग लगने पर जंगल के जीव भाग करके चले जाते हैं, जैसे धन लेकर गणिका गायब हो जाती है। भौरा उड़ गया तो कहने लगी, अरे कहीं ऐसा न हो यह जाकर हमारी शिकायत हमारे कन्हैया से कर दे। भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो बहुत दिनों की मन में पीड़ा थी ना, कष्ट था ना, तो थोड़ा भरा बुरा कह दिया। बस तो हम तो कृष्ण से प्यार करती हैं, तू ये सब बातें जाकर उनसे मत कहना, तू आ जा, बता क्या उन्हें हमारी याद आती है? प्रेम की अजब गति है। अरे कपटी तो है ही ना, मृग्यूरिव कपिंद्रम विभ्यदे लुब्ध धर्म। बाली को व्याध की तरह मार दिया। क्या किया था व्याध बाली ने? और बलि को बामन बना करके ठगा उसने। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत् द्वावद। असुरपणखा तो शादी का प्रस्ताव ही लेकर गई थी, क्या अनर्थ कर दिया था, लेकिन उसे कुरूप बना दिया, नाक काट लिया। स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्री जीत कामया। अरे भोरा तू तो उनका गुणगान क्यों कर रहा है? हम उन्हें जानते हैं। आहा, हमें मनाने आए? अच्छा हमें मनाने आए हो, ये चापलूसी छोड़ो, ये चापलूसी भी तो उसी से सीखी है ना। जाओ जाकर उससे बोलो दीनों पर दया करना सीखे। और सुनो मेरे पैर पर ये सिर रखकर नौटंकी नहीं करो, उसी ने ये सिखाया होगा। अरे जिसके लिए हमने अपना सर्वस्व छोड़ दिया उसने हम लोगों को ही छोड़ दिया और भाग गया, निर्मोही है वो। हम चाह करके भी भौरे उसको भूल नहीं पाते, हमारा मन हमारे अधीन नहीं। अच्छा हमें मनाने आए हो, तुम हमारे माननीय हो, अरे हम तो यहां रहकर भी वही हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या कृष्ण हमें याद करते हैं? देखो योगी का मन उसके नियंत्रण में रहता है, संकेत कर रहा हूं, ज्ञानी का मन उसके नियंत्रण में रहता है, लेकिन दो आदमी का मन उसके पास नहीं रहता, उसके नियंत्रण में नहीं रहता, एक भोगी का और एक भक्त का। भोगी का मन संसार के रस में रहता है और भक्त का मन तो भगवान में मिल जाता है, वो भगवान का होकर रहता है। वो चाह करके भी अपने मन को खींच करके भी अगर चाहे कि हम विषयानंद में लगा लें, संसार के रस में डुबा दें, तो एक बार अगर परमात्मा के रस में का आनंद मिल गया, एक बार
उसमें मन डूब गया तो फिर उसका मन काबू में नहीं रहता। जोगी का मन उसके नियंत्रण में है, क्योंकि जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करके और उसने अपने मन पर नियंत्रण करना सीखा है। उसी तरह ज्ञानी ने अपने 8 साधनों से सीखा है। भक्त का मन जब उसने भगवान को दे दिया, मई मनाधस्व मई बुद्धि निवेश, मन जब भगवान को शुद्ध रूप से समर्पित कर दिया और उस रस को ले लिया, अब चाह करके भी, इसीलिए कहते हैं जो भगवान का हो गया वो दुनिया के काम लायक नहीं रहा। और जब तक दुनिया के काम लायक रहोगे तब तक भगवान के लायक नहीं बनोगे। गोपियां कहती हैं कि हमारा मन अब हमारे अधीन नहीं, भौरे को सुना रही हैं और उद्धव जी सुन रहे हैं। उद्धव जी ने कहा इनको उपदेश देना जरूरी है और उद्धव ने वही उपदेश देना शुरू किया, ज्ञान का उपदेश गोपियों को, कि न माता न पिता तस्य न भार्या न सुताजय उद्धव जोग सिखावन आयो। एक और भी बहुत पुराना, उधो मन नहीं दसवी उधो मन नहीं एक हुतो सो गयो श्याम संग एक हुतो सो गयो श्याम संग कहिया रहुई उधो मन नाही। अगर वह निराकार है निर्गुण है तो एक बात था ना, अपने हाथ से मक्खन कैसे खाता। अरे हमारे साथ ठुमके लगाए हैं उसने, हमारी मटकियां फोड़ी है, हमारे घर में माखन की चोरी की है। तुम कहते हो वो निर्गुण है, वो निराकार है, उसके कोई माँ बाप नहीं, वो कोई जन्म नहीं लेता, उसका कोई माता नहीं है, उसका कोई पिता नहीं है। अरे हमारे साथ तो गलबहियां डाल करके उसने रास रचायो है, हमारे माखन चुरा चुरा करके खायो है। ये तुम्हारी बात हमारे गले के नीचे नहीं उतरती कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो जाम हमको तो कृष्ण ही से काम। सरित सैल बनो दे शंकर सहाय कृष्ण चरिता। ये देखो ये नदी है, देखो ये नदी है ना, ये नदी जिसमें वो बिहार करता था, ये जो पर्वत देख रहे हो ना, ये पर्वत जिसके शिखर पर बैठ करके मुरली फूंकता था, तो हम दौड़े दौड़े उसकी मुरली की धूम सुन करके भाग खड़े हो। यही मन है जिसमें हमसे गलबहियां डालकर उसने रास रचाया, यही गौएं हैं जिन्हें चराने के लिए सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए रोज आता जाता था। वो बंसी की तान आज भी हमारे कानों में गूंध रही है, गूंजती है आज भी हमारे कानों में। उधो हम कैसे उसको भूल जाएं, हम कैसे मान लें कि उसका कोई आकार नहीं, वो निर्गुण है, वो निराकार है। अरे ये ज्ञान की बात छोड़ो दो, ये हमारे पल्ले की बात नहीं। एक हूं तो सो गयो श्याम सन
अब किया रत। अब बताओ जिसको सगुण साकार ब्रह्म के समर्था रति के माधुर्य भाव के समर्था रति का प्रेम प्राप्त हो चुका हो उसको ब्रह्मानंद कैसे आकर्षित करेगा। अब गोपियां जहां माधुर्य भाव के सबसे सर्वोत्कृष्ट जो समर्था रति का अनुराग है भाव है प्रेम है उच्च चेतना की ऊंचाई पर है और ये ज्ञानी हैं ब्रह्मानंदी हैं। अब मेरा ज्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है, मैं क्षमा करूंगा, मैं भजन के माध्यम से 10 मिनट गा देता हूं। आप सब सुधीजन हैं और समझ जाएंगे उधो को कैसे चित्त किया है गोपियों ने, कैसे ब्रह्मानंद पराजित हो गया है प्रेमानंद के सामने। उधो धन तुम्हारो व्यवहार, उधो तुम्हारो व्यवहार, तुम्हारो व्यवहार, तुम्हारो व्यवहार। आम को काटी बबूल लगावत, चंदन की करवा, आम को काटी बबूल लगावत, चंदन की करवा। साहेब पकड़ी चोर को छोड़त, चुगलन को अधिकार, उधो धन तुम्हारो व्यवहार, धन तुम्हारो व्यवहार। देखो शिकायत भी कितनी मिट्टी है, हमारे संत और प्रसिद्ध कथावाचक सुमंत बाबू भी विराजमान हो गए। हमको जोग भोग कुबजा को ऐसी समझतिया, हमको जोग भोग कुबजा को ऐसी समझतिया। हम समयूर तू कापिकतागत, कागन को इतबार, उधो धन तुम्हारो व्यवहार, धन तुम्हारो पढ़े चातुरी वेदा, निपट कपट चट सा, तुम हरि पढ़े चातुरी वेदा, निपट कपट चट सा, से निबहेगी अधा दूध सरकार, उधो धन तुम्हारो व्यवहार, उधो धन तुम्हारो व्यवहार, उधो
मुझे लगता है इतने भगवत स्वरूप संतों का आगमन हुआ है कि हृदय गदगद हो गया है। हमारे यहाँ कहते हैं चलती का नाम गाड़ी गोपियां शिकायत करती हैं। चलती का नाम गाड़ी मतलब जिसकी बन गई, जिसकी चल गई, उसकी सारी बातें नारायण आय उधो बनियाए की बात उधो बनियाए की बात उधो बनियाए की बात उधो बनियाए की बात उधो। हमने सब देखा है, हमें मत बताओ। हर एक समय हम ने हरि देखो मुख धोवत नहीं ना ओ, एक समय हम ने हरि देखो मुख धोवत नहीं ना। न मुंह धोता था न समय से स्नान करता था। तुम कहते हो ब्रह्म है, वो भगवान है, अरे हम उसको जानते हैं। एक समय हम ने हरि देखो मुख धोवत नहीं ना। अब तो भये कृष्ण ब्रह्मचारी सौ सौ बीरिया अब तो भये कृष्ण ब्रह्मचारी सौ सौ बीरिया था उधो बनियाए सुनो। एक समय हम ने हरि देखे छिन छिन जूठा खा ओ, एक समय हम ने हरि देखे छिन छिन जूठा खा। अब तो भय कृष्ण जी राजा अब तो भय कृष्ण जी राजा चढ़े सिंहासन जा उधो बनियाए की बात उधो बनियाए की बात उधो और सुनो। एक बात उन से जा कहियो सौ बातन की बात ओ, एक बात उन से जा कहियो सौ बातन की बात। ठाकुर ने उद्धव जी को अपना दूत बना के भेजा और गोपियों ने उद्धव जी को अपना दूत बना दिया। एक बात उन से जा कहियो सौ बातन की बात एक बात उन से जा कहियो सौ बातन की बात। बड़ी मीठी गाली दी है। ऐसी बात उन्हीं के लायक जिनके तो पितु मात उधो बनियाए की बात उधो बनियाए की बात उधो बनियाए
शरावत गोकुल मग में जा ब्रह्म को नहीं जानते हम तो उसी ठाकुर को जानते हैं वृंदावन में गाय चरावत गोकुल मग में जा वृंदावन में गाय चरावत गोकुल मग कुटिया कांधे कमरिया हाथ लगुटिया कांधे कमरिया रज लपटाए जा निराकार निर्गुण ब्रह्म की दीक्षा देने आए हो। हम पहले से दीक्षित हैं, हम अपने ठाकुर को जानते हैं, और उधो तुम जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म को जानते हो ना, और जितने अच्छे से जानते हो ना, हम अपने सगुण साकार ब्रह्म को, अपने ठाकुर को, अपने भगवान को, हम तुमसे भी अच्छी तरह से जानते। यही वृंदावन यही कुंज बन यही पलाश को पात ओ यही वृंदावन यही कुंज बन यही पलाश को पात। जिसको कहते हो कि वो निर्गुण है निराकार है भगवान है, उस ठाकुर को जानते हो कैसे हम लोगों ने देखा है? अरे यही वृंदावन यही कुंज बन यही पलाश को पात हो यही वृंदावन यही कुंज बन यही पलाश को मांग मांग धर हमसे खाए दधि माखन और भात उधो बन आए के बात उधो बन आए के बात उधो निर्मल गात कृष्ण को काशी अंग लिपटा उधो निर्मल गात अपने कृष्ण को काशी अंग लिपटा सूर श्याम अब लाजन आवे गोपीन संग अब लजा ओ सूल श्याम लाजन आवे गोपी न संगल जात उधो बनियाए की बात उधो बनियाए की बात उधो बनियाए सिख लोग तो एक और भजन गाते हैं दो लाइन का यहाँ तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है उधो
ये तो प्रेम की बात है उधो, अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है होते। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, नहीं है बंदगी तेरे बस की यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, हो यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये माधुर्य भाव का दिव्य प्रेम है और सही में ज्ञानियों की पहुंच यहां तक नहीं है। तो जैसे मैंने निवेदन किया था कि ब्रह्मानंद तो दिव्य है, अनिर्वचनीय है, भूमा है, करोड़ों में को प्राप्त होता है, लेकिन उसके ऊपर सकुण साकार ब्रह्म का प्रेमानंद है, उसमें शांत भाव का प्रेमानंद कई स्तर है, दास्य भाव का प्रेमानंद, सख्य भाव का प्रेमानंद, वात्सल्य भाव का प्रेमानंद, सबसे ऊपर माधुर्य भाव का प्रेमानंद, उसमें भी सर्वोच्च कक्षा जो है समर्थारति के माधुर्य भाव का प्रेमानंद, उसकी आचार्य है ये गोपियां, और ये जो संवाद है वो ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्मानंद के भोक्ता ज्ञानी उद्धव के बीच और उस उत्कृष्ट कोटि के सर्वोच्च माधुर्य भाव के समर्थारति के प्रेम के आचार्य जो गोपियां हैं उनके बीच ये हुआ है संवाद, और उसका फल क्या हुआ कि कृष्ण लीला कथाम गायन रमया मास गोकुलम। अब ये प्रेमा भक्ति के आचार्य बन गए उद्धव जी, इनका ज्ञान आनंद समाप्त और ये प्रेमानंद के रसिक बन गए, गोपियों को प्रणाम किया, उनकी वंदना की, उनकी अभ्यर्थनाएं की, आसा महो चरण रेणु जसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म कतो या दुस्तजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा
भेजो मुकुंद पदमिं सुतवी वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणु व्यासं हरि कथोद्गीतं पुनादि भुवनत्र। अब वापस जब लौटे हैं तो आकर के कृष्ण कहा कि अरे बड़े कठोर हो तुम तो कान्हा, इतने कठोर हो। भगवान ने कहा मैं जो चाहता था हो गया। यहाँ भी बहुत बड़ा है ललित प्रसंग, लेकिन मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। इसके बाद में उद्धव को प्रेम के का प्रेम प्रेमानुभूति हुई है, प्रेम का रस उद्धव को मिला है, प्रेमानंद के आचार्य बने। जरासंध का 17वां आक्रमण हुआ है, 28वां रणछोड़ बने हैं। कालजवन को मुकुटचंद मुचकंद से जलवा दिया भगवान ने अपनी प्रेरणा से। कहानी लंबी है। और परवर्षण पर्वत पर अपने चले गए हैं, जरासंध ने आग लगवा दी तो समुद्र में उतर गए। द्वारका पूर्ण बसाई है और 25 वर्ष में ही भगवान द्वारकाधीश बन गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की। और रुक्मणी मंगल का करके कार्यक्रम 5 मिनट में हम लोग कि राजा सिद्ध भीष्मो नाम विदर्भाधिपति महान कस्या पंचाभवन पुत्र कन्या चवराना। भीष्मक राजा के पुत्री हैं, रुक्मणी हैं, साक्षात लक्ष्मी हैं और कृष्ण की प्रिया हैं। उनको उन्हीं के पास आना ही है, लेकिन पत्र आया, माध्यम एक ब्राह्मण बना, सुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमतां निर्वेश कर्ण विवरै हरतुंगतापं रूपं दिशां दिशमतां अखिलात्तलाभं चिंतं पत्रमं मे। अरे बड़ा मंगल से विवाह हुआ है, अब शिष्यपाल से करना चाहता था रुक्मी, लेकिन ईश्वर की कृपा से विवाह हुआ। हमारे यहाँ गुरु जी भोजपुरी बड़ी लाल, भोजपुरी में जब शादी में गीत में महिलाएं बाबा को, मतलब दुल्हन के बाबा को, पिता को उलाहना देती हैं। अरे शादी करने की उम्र तो हो गई थी, आपने विलंब कर दी। कि बाबा हो कवन बाबा धनी रौरा बानी जी कहिया के हरदी सा चल रौआ बानी जी कहिया के हरदी सा चल रौआ। बाबा आपने कितने दिन से रखा था ये शादी जोग, तो बिटिया हो ही गई थी और बिटिया इतनी कोमल है कि हल्दी लगाने से हल्दी की झाग उसकी गंध भी बिटिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा। रुक्मणी जी इतनी कोमल बाबा संगम बाबा कनी रउआ बनी बाबा हो भीष्मक बाबा धनी रउआ बनी कहिया के हरदी सचल रउआ बनी दी कहिया के हरदी सचल रउआ बनी दी। और एक और गीत गाती, जब चुमावन होता है दूल्हे का दुल्हन का तो उसमें भी बड़ा एक बड़ी है, हरी हरी दुबी आया जुरी भर चाउर सीर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औषधि एवं टॉनिक। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ नॉर्थ।